हिंदुस्तान के 70वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता और आप सब जानते ही हैं कि यहां मैं हिंदी किताबों के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में बातें करती हूं, किताबों की समीक्षा करती हूं। और क्योंकि आज हमारा गणतंत्र दिवस है, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो कई दिनों से मैं सोच रही थी कि एक वीडियो आज मैं ज़रूर आपके लिए लेकर के आऊँगी जो किताबों से कुछ अलग हटकर होगा। लेकिन इसी बीच गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व ही एक बुरी खबर हमारे बीच आती है कि कृष्णा सोबती जी हमारे बीच नहीं रही। हिंदी साहित्य से उनका जाना कभी न पूरा हो सकने वाली एक क्षति है। तो कृष्णा सोबती जी के बारे में भी बात करने का मेरा मन हुआ, लेकिन आज गणतंत्र दिवस है और जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति के आगे देश कहीं ज़्यादा महत्व रखता है। तो सोचा कि आज गणतंत्र दिवस के बहाने ही कृष्णा सोबती जी की कविताओं की बात की जाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कविताएँ भी लिखी हैं और उनकी एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, जिसे उन्होंने लिखा है क्रांति के बारे में। आजकल क्रांतियों का दौर है, काफ़ी समय से क्रांतियां हमारे देश में होती आ रही हैं, लेकिन आजकल जो क्रांतियां होती हैं वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा होती हैं, उनके परिणाम भी सोशल मीडिया पर ही सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, असल ज़िंदगी पर उनके असर नहीं दिखाई देते। तो कृष्णा सोबती जी की एक कविता आज मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मेरी पहली कोशिश है इस चैनल के ज़रिए कोई कविता पढ़ने की, तो उम्मीद है कि गलतियों को आप क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे। उनकी कविताओं में सरकार और भ्रष्ट प्रशासन के प्रति एक नाराज़गी झलकती है, असहिष्णुता के प्रति उनके भीतर की बेचैनी भी आप उनकी कविताओं में साफ देख सकते हैं, साफ सुन सकते हैं। अभी जो मैं कविता सुनाने वाली हूँ ये भी एक ऐसे ही कविता है। कविता का शीर्षक है वैदिक है क्रांति। चलिए शुरू करते हैं। क्रांति क्रांति, भारत में क्रांति, नहीं है यह कोई भ्रांति, ये महान धरना है वैदिक क्रांति। गायों को बचाओ और नागरिकों को मारो, यही है आज्ञा, खबरदार इसकी न करे कोई अवज्ञा। जितने पापी मारोगे उतने जन्मों में फल पाओगे, भ्राताओं यह पुण्य है जन्म जन्मांतर के लिए। जो वैदिक विचारधारा के लिए करेगा यह क्रांति उसे मिलेगी संपन्नता और अगले जन्मों में शांति ही शांति। इस वैदिक यज्ञ में साथ दो, तुमको गहरा विश्वास हो यह वैदिक समयों से उभरी है क्रांति, भक्ति भाव की तरंगों से देगी आपको यह शांति। ये अनोखी क्रांति देगी आपको शांति, युगों के बाद हो रही यह हिंदुत्व की क्रांति। क्रांति क्रांति, यह है वैदिक क्रांति, क्रांति ही क्रांति, इसमें नहीं है कोई भ्रांति। पवित्रता के नाम की यह वैदिक क्रांति, क्रांति ही क्रांति, कोई नहीं है भ्रांति। ओम शांति शांति। और न कचहरी न पुलिस, इतने अच्छे दिन इस देश पर फिर कब आएंगे। इसी कविता के साथ कृष्णा सोबती जी को विनम्र श्रद्धांजलि।